अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आज की रिएक्शन में मेरे साथ देने वाले हैं राहिल फैसल। आज का रिएक्शन हम करने वाले हैं शाहरुख खान की एक नई फिल्म पे जिसका नाम है जवान। इससे पहले भी हमने एक रिएक्शन किया था शाहरुख खान की फिल्म पे, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, डोंकी पे। और उम्मीद है ये रिएक्शन आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आते तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें और कमेंट ज़रूर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत खतरनाक तो नहीं, स्टार्ट में बहुत खतरनाक नजर आ रहा। जी वेलकम बैक। और फिल्म का ट्रेलर हमने देख लिया और ट्रेलर आप लोगों ने भी देख लिया। फिल्म में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये शाहरुख खान जो है वो एक आतंकवादी है या किसी ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो उसके पास जो इक्विपमेंट पड़े हैं, वॉकी टॉकी, रेडियो सिस्टम, तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी गैंग के साथ या एक ग्रुप के साथ वो कनेक्टेड है और वो जो है किसी ग्रुप के लिए काम कर रहा है। फिल्म हमने हमेशा शाहरुख खान की कोई ऐसी फिल्म आज तक नहीं देखी, एक्शन फिल्म आई है, लेकिन ये फिल्म जो है इसकी डायरेक्शन कुछ अजीब है, कुछ अलग टाइप की है। तो अब हमें समझ नहीं आई कि ये फिल्म इसका पसंद आने वाला है कि नहीं है। राहिल ने भी देखा, वो क्या बताते हैं इसके बारे में, उनसे जानते हैं। मैं यही कहूँगा कि शाहरुख खान की तकरीबन 2-3-4 साल से अभी तक कोई मूवी नहीं आई और बैक टू बैक जो है अभी तकरीबन ये एक हमने डोंकी जो डंकी है कि कौन सा वो डंकी पे हमने रिएक्शन किया था, अभी जवान का ट्रेलर आया है और एक मेरे ख्याल में एक पठान मूवी भी है तो उस पर हमने अभी रिएक्शन नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है कि वो मूवी भी है, वो भी आने वाली है और तो तीनों जो है वो 2001 साल बाद तीनों साथ ही आएंगे ना, तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन इस मूवी का हमें ये एक्शन जिस तरह उन्होंने ये डायरेक्शन बनाया है तो ये बहुत ही इस तरह का खौफनाक है, मतलब जिस तरह उन्होंने इसका गेटअप किया हुआ है, नेगेटिव रोल है और जिस तरह गेटअप किया हुआ है, जिस तरह आपने कहा कि ये कोई टेररिस्ट भी हो सकता है या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई आदमी भी हो सकता है, जिस तरह होते हैं ना, तो बहुत ही खतरनाक। ये दूसरी बात है कि ट्रेलर बहुत ही छोटा था, इसमें हमें कुछ इतना देखने को नहीं मिला, हमने इस वजह से हमें पता भी नहीं है कि किस बारे में है ये, अभी मतलब जिस तरह हमें सामने नजर आए मूवी में तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एक गैंगस्टर है या ये एक किसी ऐसे को सपोर्ट कर रहा है जो मतलब खुफिया एजेंसी को सपोर्ट कर रहा है, तो मूवी जब हम देखेंगे इसका पूरा ट्रेलर आएगा तो उस पर हम पूरा वो रिएक्शन कर लेंगे। तो अभी तक शाहरुख खान का इस तरह का गेटअप हमने नहीं देखा, बहुत ही खतरनाक, जिस तरह वो बोलते हैं कि रेडी, वो भी हमें बहुत ही खतरनाक लगा। वीडियो मूवी तो मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रही है, जिस तरह आती है तो वो हम ज़रूर देखेंगे। और आपको अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।